रीवा निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण शाला टीआरएस कॉलेज में आयोजित की गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने भ्रमण किया और कर्मचारियों को इस दौरान दिशा निर्देश दिया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि ये चुनाव चूंकि बरसात के सीजन में हो रहा है, जिसके चलते किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर आपको मतदान केंद्र तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो उसके लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं मतदान केंद्रों में पहुंचने और बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने इस दौरान क्या कहा। क्योंकि काउंटिंग अगर आप करके नहीं आओगे तो फिर दो दिन बाद वही आपकी ड्यूटी लगेगी और आदमी को वो काम देगी। हमने इस बार सभी को कलम कैसे दौरे पे और सभी को अपने लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि इसमें से कोई कोई हाथ नहीं है कि सत्ता मतदान मतदान केंद्र पे और सारी मतदान कोई कानून को पता नहीं है, कोई लड़कियाँ बची है, ठीक है। अंतर केवल यह है कि काउंटिंग मौके पे ही कराएंगे। शायद आप लोगों ने पहले जो भी चुनाव कराया है उसमें काउंटिंग आप लोगों ने लाके केंद्र पे कराया, इस बार काउंटिंग वही कराएंगे। और दूसरा अंतर यह है कि हो सकता है कि बारिश हो। चुनाव को लेकर क्या किस तरह तैयारी चल रही है? अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार बैचेज में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, छोटे छोटे बैचेज पे ट्रेनिंग देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इसीलिए टीआरएस कॉलेज में और लॉ कॉलेज के डिफरेंट जो क्लासरूम्स हैं उसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान जो नियम निर्देश प्रक्रिया है उसके बारे में तो उनको हम बता ही रहे हैं, साथ में हम उन्हें ये भी बता रहे हैं कि संभावित है कि आपके चुनाव के दिन या चुनाव के पूर्व थोड़ी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि मानसून जून में धीरे धीरे एक्टिव होता चला जाता है। तो रूट में अगर कोई इशू हो, मतदान केंद्र में कोई इशू हो, तो हम लोग उसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कृतसंकल्पित हैं। सभी विभाग के लोगों को भी हमने बता दिया है, हम खुद भी पूरी टीम के साथ कल पूरे ज़िले का हमने भ्रमण किया है। इसके बाद भी आप लोगों को इसके लिए तैयार होना चाहिए कि बारिश अगर होती है तो हम बारिश के बावजूद भी अच्छा चुनाव कराएंगे, बारिश के बावजूद भी हम मौके पर ही मतगणना का काम भी कंप्लीट करेंगे। और उन तकलीफ़ों के लिए उन्हें तैयार होने के लिए हमने प्रेरित किया है कि आप अपने साथ अपना जो भी बरसात से बचने के सामान हैं वो भी साथ में रखिएगा। और ये मानसिकता जब हम बना लेते हैं कि हम धूप हो या बारिश हो या पानी हो या ठंड हो हम अपना काम पूरा करेंगे, तो हमारी टीम ये काम पूरा कर लेती है। तो आज हमने जो भी इंट्रैक्शन किया है केवल इसी बिंदु पर किया है कि आप बरसात की परिस्थितियों में भी चुनाव कराने के लिए तैयार रहिए।